नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। युद्ध स्तर पर तैयारी पूरा करने के दिए निर्देश। 48 घंटे बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का होगा शुभारंभ। दलदली गंगा घाट पर कांवरियों को होगी परेशानी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से हो रही पैसे की अवैध वसूली। स्मार्ट सिटी में जगह जगह फैला कूड़े कचरे का अंबार, नगर निगम बना उदासीन। और प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नौगछिया में चला सघन छापेमारी अभियान, भारी मात्रा में कैरी बैग बरामद। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के टाउन हॉल में रविवार को श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को श्रावणी मेला के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पूरे कांवरिया मार्ग और गंगा घाटों पर बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने की बात कही। डीएम ने श्रावणी मेला के दौरान ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों से कांवरियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की निगरानी करने और किसी प्रकार की समस्या आने पर उसका विलंब निराकरण पूरी सेवा भाव से करने की बात कही। एसएसपी आशीष भारती ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने ड्यूटी स्थल पर मुस्तैदी के साथ रहने और देश विदेश से आने वाले कांवरियों को सुरक्षा देने के साथ उनकी हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था नहीं बल्कि बिहार और देश की छवि से जुड़ी हुई है, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से मेला संपन्न कराना हम सब की जिम्मेदारी है। एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि सभी अधिकारी समय से अपनी ड्यूटी स्थल पर मौजूद होकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे और शिफ्ट बदलने से पूर्व दूसरे दंडाधिकारी से कोऑर्डिनेशन बनाकर बिना दूसरे दंडाधिकारी के आए स्थल नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने श्रावणी मेला को लेकर एक ऐप लॉन्च किए जाने की जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को अपने मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करने की बात कही। बैठक में सहायक डीएम आशुतोष द्विवेदी, सभी डीएसपी एवं विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, श्रावणी मेला में तैनात दंडाधिकारी, अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ 17 जुलाई से होगा, लेकिन कांवरियों के लिए इस बार बाबा धाम की डगर काफी कठिन होगी। मेला के उद्घाटन में मात्र 48 घंटे शेष हैं। तैयारियों की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेला क्षेत्र में जिला प्रशासन की व्यवस्था धरातल पर नहीं उतर पाई है। कांवरियों के आने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है, पर अब तक गंगा घाट सही से तैयार नहीं किया जा सका है। मेला में आने वाले कांवरियों के लिए दो महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, जिसमें एक सुरक्षित गंगा घाट और दूसरा कांवरिया पथ, जबकि इन दोनों में से कोई भी कांवरियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। सीढ़ी घाट और जहाज घाट दोनों की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गंगा घाट को सुरक्षित रखने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं जो बालू कांवरिया पथ में बिछाई गई है उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है, जिससे कांवरियों को चलने में परेशानी हो रही है। अब ऐसे में भगवान भरोसे ही श्रद्धालु कांवर यात्रा पूरी करेंगे। 16 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएसडी मंत्री, पर्यटन मंत्री, माननीय और भी दो तीन विभाग के मंत्री हैं, जिनकी सूची अभी प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का प्रावधान है। सरकार की ओर से प्रति परिवार वर्ष में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने को लेकर देश भर एंट्री ऑपरेटर एवं कर्मचारियों की मिली भगत से नाम जोड़ने के लिए 150 रुपए लेने और अवैध वसूली करने का आरोप रविवार को ग्रामीणों ने लगाया और जमकर बवाल किया। ग्रामीणों
उन्होंने कहा कि पहले आशा कार्यकर्ता द्वारा योजना की जानकारी दी गई और फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए लिए गए। इसके बाद अस्पताल में ऑपरेटर विकास सिंह नाम जोड़ने के नाम पर पैसे मांगता है। पूनम देवी, मीरा देवी समेत कई महिलाओं ने कहा कि जिसने पैसे देने से इनकार किया उसका नाम कार्ड में नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण ऐसे लोग सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। हालांकि जब इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बरसात का कि जिसने पैसे देने से इनकार किया उसका नाम कार्ड में नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण ऐसे लोग सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। हालांकि जब इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बरसात का मौसम शुरू होते ही स्मार्ट सिटी भागलपुर की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। शहर में चारों तरफ कूड़े कचरे का अंबार लगा है और राहगीर दुर्गंध भरे रास्ते से चलने को मजबूर हैं। लोहिया पुल के नीचे नगर निगम गोदाम के समीप खलीफा बाग चौक, घंटाघर चौक, ततारपुर चौक और सराय समेत कई इलाकों में गंदगी सड़क पर पसरी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि सब कुछ देखते हुए भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के बावजूद कूड़े का उठाव नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है और सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। वहीं सड़क किनारे कूड़ा जमा होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। पॉलिथीन कैरी बैग पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी इसका उपयोग धड़ल्ले से जारी है। व्यवसायियों के द्वारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पॉलिथीन मंगाया जा रहा है और बाजारों में खपाया जा रहा है। पॉलिथीन कानून को प्रभावी बनाने को लेकर शनिवार को नगरछिया में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने 86 बोरे में बंद 22 क्विंटल प्रतिबंधित कैरी बैग को बरामद किया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर नेतृत्व में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। छापेमारी टीम ने बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट, सूरज ट्रांसपोर्ट, निर्मल ट्रांसपोर्ट, रितेश कुमार, रोहित कुमार एवं मां अन्नपूर्णा प्रतिष्ठान से पॉलिथीन को बरामद किया है। वहीं अधिकारियों द्वारा बरामद पॉलिथीन को जब्त कर प्रतिष्ठान के संचालकों से जुर्माना राशि वसूल की गई, साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन का व्यवसाय नहीं करने की हिदायत दी। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण भागलपुर में जर्जर हो चुका बिजली का तार टूटकर गिर रहा है, जिसकी चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोग करंट की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। इतने हादसों के बाद भी बिजली विभाग जर्जर हो चुके तार को बदलने की जहमत नहीं उठा रही है। रविवार को नाथनगर करनगढ़ स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के समीप 11,000 वोल्ट का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इस दौरान आवागमन कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। तार से निकल रही चिंगारी से लोग अपनी जान बचाने इधर उधर भागते नजर आए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना विभाग को दी और बिजली को काट दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि 2 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है और मंदिरों में पूजा करने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में अगर बिजली का तार टूटकर गिरता है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और सावन में तो और भीड़ लाखों लाखी रहती है, और ये जर्जर तार कभी बदलती ही नहीं है। जब टूटता है तो जोड़ दिया, फिर जाके चला गया। अभी एक आदमी मर जाते हैं अगल बगल सड़क के, तो हम लोग तेज रोक रोक के सूचना पूर्व में दी गई है ऑफिस को, इनको इस समय दिमाग नहीं लगाता है कि इधर कुछ करना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते अगली खबर। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही तौफिल दियारा के बिरबन्ना पंचायत में कई गांव में कटाव शुरू हो गया है। कटाव के मुहाने पर कई घर पहुंच चुके हैं, जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कटाव की मार झेल रहे ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते सरकार के द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य किया गया तो कई गांव को बचाया जा सकता है। साथ ही लोगों की जमीन भी कटकर गंगा में समा रही है, जिससे ग्रामीण काफी चिंतित हैं।
शनिवार की देर रात आई तेज आंधी बारिश से भागलपुर की कई सड़कों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने से पूरे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोगों की नींद हराम हो गई। IMA हॉल एवं नगर निगम के समीप सड़क पर पेड़ गिर गया, जबकि इसके अलावा भी कई जगहों पर पेड़ गिरने और तार टूटने से परेशानी हुई। हालांकि तेज बारिश के कारण मौसम में थोड़ी नमी आई, जिससे गर्मी से राहत मिली। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में 21 दिसंबर से एकलव्य प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतियोगिता को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में होगा। कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि एकलव्य प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए कुलाधिपति सह बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन से संपर्क किया जा रहा है, जबकि समापन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की संभावना है। एकलव्य की प्रतियोगिता 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है। इसके लिए हमने दो बार कमेटी की बैठक भी की है और इंडोर स्टेडियम जो मेरा है वो इनकम्प्लीट था, वो काम लग गया है, वो तैयारी हो रही है। हमने टेंडर दे दिया है, जो मेरा स्टेडियम है जिसमें मट्टी भराना है, स्टेडियम इनकम्प्लीट जो है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और दिसंबर में हम लोग जो है हॉस्टल को खाली करेंगे, हॉस्टल लड़कियों का लड़कों का, जिसमें कि रहने वाले पार्ट जो आएंगे खिलाड़ी उसको रहने का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि शहर में जो अच्छे धर्मशाला हैं उसको हम लोग बुक करेंगे, और सारी तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। और महामहिम से भी संपर्क किया जा रहा है कि उद्घाटन सत्र में महामहिम आए और फिर जो सत्र समापन होगा उसमें मुख्यमंत्री आए। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड स्टेडियम परिसर में रविवार को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर सिल्क सिटी की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब के स्थापना दिवस पर अध्यक्ष अलका दुग्गड़ एवं सचिव शंभू प्रसाद भगत के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्लब के सदस्यों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात करते हुए कहा कि आधुनिकीकरण की होड़ में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव मानव के साथ सभी जीव जंतु और पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। साथ ही आम लोगों से भी वृक्षारोपण एवं उसकी देखभाल करने की अपील की। इस मौके पर संजय अवस्थी, नवनीत सर्राप, गोपाल खेतरीवाल, विशाखा जैन, संजीता शाह समेत कई सदस्य मौजूद थे। भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा की ओर से रविवार को विजय मित्रा नगर मंडल के द्वारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान खलीफाबाग चौक पर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व संजीव कुमार गुप्ता ने किया, जबकि संचालन भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भागलपुर विधानसभा सदस्यता प्रमुख अमरदीप शाह ने किया। अमरदीप शाह ने कहा कि भाजपा से सभी वर्ग एवं समाज के लोग जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर विजय सिंह कुशवाहा, संतोष शाह, मोंटी जोशी, गुड्डू राय समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के भक्त मंडली द्वारा रविवार को महाकाल पूजा, रुद्राभिषेक और श्रृंगारी पूजन किया गया। पंडित माना शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन मास के पूर्व असार मास के त्रयोदशी तिथि को भक्त मंडली के द्वारा बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और भक्त बाबा का जयकारा लगाते नजर आए। पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार पर दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, जल तथा विभिन्न प्रकार के फूल व फलों से बाबा मनस्कामना नाथ का श्रृंगार किया गया। इस दौरान भव्य आरती के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। भागलपुर के टाउन हॉल में लगे जादूगर शंकर सम्राट के जादू का आनंद लेने आम लोगों के साथ खास लोग भी पहुंचे। रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती, ADM राजेश झा राजा, सहायक DM आशुतोष द्विवेदी समेत जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं श्रावणी मेला ड्यूटी में शामिल किए गए सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों ने जादू का आनंद लिया। जादूगर शंकर सम्राट के जादू से सभी अधिकारी काफी रोमांचित दिखे और एक से बढ़कर एक जादू देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते रहे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर DM ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, युद्ध स्तर पर तैयारी पूरा करने के दिए निर्देश। 48 घंटे बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का होगा शुभारंभ, दलदली गंगा घाट पर कांवरियों को होगी परेशानी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से हो रही पैसे की अवैध वसूली। स्मार्ट सिटी में जगह जगह फैला कूड़े कचरे का अंबार, नगर निगम बना उदासीन।
और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगरछिया में चला सघन छापेमारी अभियान, भारी मात्रा में कैरी बैग बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।